नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SAP इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। दो वीडियोस के मेरे चैनल पर आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके फटाफट से देख लीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, उसकी जो यूनिक ट्रिक है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हिंदी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें लेकर के आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टेंस आपके सामने है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और हिंदी पहचान भी आपके सामने लिखी है। इसकी हिंदी पहचान होती साथियों रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, सबसे पहले एफर्मेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से मैं ये कह सकता हूँ कि बीच में ये गैप वगैरह दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली क्या है, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्स के अंदर से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे अटैच कर रखा है, ठीक है। मैंने जो पीडीएफ बना रखी है नोट्स की वो अटैच किया है, ताकि क्या है कि मेरे को भी टाइपिंग की प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो है साथियों सब्जेक्ट, और विल या शैल का यूज़ तो होगा, कहाँ होगा मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देन बी का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर्स। चलिए इसके एग्जांपल की बात करें तो यू विल बी स्टडिंग इन 11th क्लास नेक्स्ट मंथ, मींस कि आप अगले महीने 11वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, क्लियर। चलिए नेगेटिव है तो नेगेटिव में वही आपको थर्ड प्लेस पर नोट रखना है विल या शैल के बाद में, बाकी ये सेम एग्जाम्पल मैंने यूज़ कर। आइए अब आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो ये रहा आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करेंगे, विल या शैल का यूज़ पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। और वही सेंटेंस हम यहाँ पे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, विल यू बी स्टार्टिंग इन 11th क्लास नेक्स्ट मंथ, क्लियर। और इसी टाइप से इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम चीज़ है, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडवर्बियल्स, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करवाता है सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, किस टाइप का है। तो ये एडवर्बियल्स आपके सामने में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुमारो, फ्यूचर टाइम, अ कपल ऑफ ईयर्स, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इस टाइप के जो एडवर्बियल्स हैं ये सारे क्या है कि पहचान है, जो आपको ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता है कि कुछ सेंटेंसेस दूंगा मैं ट्रांसलेशन के, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, जो आपको करके बताने। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई शैल बी एंजॉइंग माई सेल्फ इन गोवा जून नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे तो मैंने इसका आंसर दे रखे हैं, क्योंकि मेरे को ही करना है तो कोई उसमें डाउट वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे शैल बी एंजॉइंग की जगह आपको बोर्ड के अंदर या एग्जाम्स के अंदर आपको डैश मिलेगा, यहीं पर ये एंजॉय जो आपकी वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में, इसको फिल करना है, क्लियर है दोस्तों। चलिए तो इसी टाइप से देख लो, आपको यहाँ पे सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पे प्ले वर्ब दे रखी है, थर्ड सेंटेंस में रीड वर्ब दे रखी है, फोर्थ में नॉट प्ले इट मींस नेगेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ में सिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये वर्ब दे रखी है। आइए अब ट्रांसलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप से इसका ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इस टाइप से क्या है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ट्रांसलेशन करना है, यहाँ मैंने कर रखा है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे करके बताएंगे। तो पहला सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा होगा, तो विल या शैल के साथ में बी देन आईएनजी का यूज़ करना है हर सेंटेंस के अंदर, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, नेक्स्ट सेंटेंस हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा, विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल, मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे, होम विल द टीचर बी टीचिंग इन द रूम, क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा नहीं चल रही होगी, विल द कोल्ड विंड नॉट बी ब्लोइंग इन योर विलेज। तो इस टाइप से यहाँ तो मैंने दे रखा है, तो टेंशन वाली दिक्कत वाली बात है नहीं, बट असली चीज
जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को करनी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करके बतानी है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिएगा और शानदार मैटर, शानदार टॉपिक लेते रहिए। बाय बाय।